नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूं। मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर के सामने चतुर्युगी का वर्णन करने के बाद किस प्रकार से प्रलय होता है उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, संचयने तथाल्पेने भवन्त्याढ्यं वदाम्यतः। ये स्थिति किस प्रकार की हो जाएगी कि किसी के पास थोड़ा सा धन होगा वो खुद को धनवान मानने लग जाएगा। देखिए, आपने अगर कभी किसी को दान किया ही नहीं है तो आप धनवान हो ही नहीं सकते हैं। धन का अर्थ ही यह है कि जो लोगों के काम आए, अगर सिर्फ आपके काम आता तो वो धन नहीं हो सकता है। सप्त वर्षाष्ट वर्षास्य स्त्रियो गर्भ धरा नृपा, 7-8 साल की स्त्रियां जो हैं वो गर्भ धारण करने लग जाएंगी। 10-12 वर्ष के जो पुरुष हैं वो पुत्रों को जन्म देने लग जाएंगे। 16 साल की उम्र में तो वो वृद्ध लगने लग जाएंगे। और इन स्थितियों में पीयते सरिलम सर्वम समुद्रेषु सरित्सुचा, सूर्य जो है वो 7 गुना अपनी तीव्रता से तपेगा। यहां तो लिखा है ततो दिन करे ही दीप्ते ही सप्तभिर् मनुजाधिप, प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदय हो जाएंगे। तो हम ये तो संभव इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सूर्य का जो ताप है, जो उसकी गर्मी है, वो 7 गुनी बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में नदियों का, समुद्र का, जहां जो भी जल है वो सारा जल सूख जाएगा। 12-12, 15-15 वर्ष तक अनावृष्टि महाराज जायते बहुवर्ष की अनावृष्टि हो जाती है, जल बरसता ही नहीं है। और फिर संवर्त को वन्यर वायु सह भारत, संवर्तक नाम की आग जो है वो वायु की मदद से सब जगह को पूरी उसको जला के खाक कर देती है। और जब अत्यंत ये सूर्य की किरणों से जल का शोषण होता है तो परिणाम अधिक गर्मी आपको अधिक वर्षा देगी, अधिक गर्मी आपको अधिक वर्षा देगी। फिर आकाश में केचि नीलोत्पल श्यामा केचित किंस्वल्क संकासा, केचित धारित संकासा, केचित कमल पत्राभा, केचित पुरवराकारा, केचित अंजित अंजन संकासा। कोई काले काले, कोई बड़े बड़े नगरों के आकार के, कोई कमल के फूल जैसे आकार के, तरह तरह के बादल आकाश में आएंगे। विद्युन्मालिन बिजली चमकेगी और उन सब के बीच में वो जो मेघ हैं, जब वो वर्षा शुरू करेंगे, वर्षमाणा महत तोयम पूर्यंतो वसुंधरा, तो इतनी जल वृष्टि होगी कि इस पूरी पृथ्वी को वो जल से आप्लावित कर देंगे, पूरी पृथ्वी को जल से भर देंगे। पृथ्वी सपर्वत वनाकारा आपूरिते महाराजे शललयुग परिप्लुता, ये पूरी पृथ्वी, यहां के पर्वत, यहां के वन और यहां का एक एक वृक्ष पेड़ पौधा सब जलमग्न हो जाएगा। ततस्ते जलदा घोरा रावणः पुरुषर्षभः, और मेघ ऐसे बरसेंगे कि जो लोगों को रुलाएंगे नहीं। रावणः का अर्थ होता है रावण को, रावण इसीलिए कहा गया क्योंकि वो लोगों को रुलाता था और वो भी रो पड़ा था। और ये भयंकर बरसात जो है, ततो द्वादश वर्षाणि पयोदास्त उपप्लवे, 12 वर्ष तक बारिश रुकेगी नहीं, कंटिन्यू वो बारिश होती रहती है। तथा समुद्र स्वाम वेलाम अतिक्रामति भारत, और फिर समुद्र जो है अपनी सीमाओं को छोड़ देता है, फिर उसकी कोई परिधि नहीं रहती, कोई सीमा नहीं रहती है। पर्वतास्य विदीर्यन्ते महोचापसु निमिच्छति, और सारे पर्वत फट जाते हैं, टूट जाते हैं, सब जमीन के अंदर समा जाते हैं। यानी चारों तरफ आपको जहां तक दृष्टि जाए वहां तक जल ही जल दिखाई देता है। देखिए, हम इससे पहले सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन देख चुके हैं तो वहां पे यही आया था कि ये पृथ्वी जो है, पहले यहां कुछ नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना सूर्य था, ना आकाश था। सृष्टि के प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले सर्वत्र जल ही जल था, और उस जल में उस पर ब्रह्म ने अपने बीज को रखा और उसमें से जो हेमवत अंड निकला, ये चर्चा हम देख चुके हैं। अगर आपने क्रमशः वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो कुछ समय पहले के वीडियो आप देखें, सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन जिसमें किया गया है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं
ये युधिष्ठिर, ऐसा जब प्रलय चारों तरफ व्याप्त था, सब जगह पानी पानी दिखाई दे रहा था, मैं जहां तक देखता था जल ही जल था, और उस जल में मैं गोते खा रहा हूं, मैं तैरने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, व्यक्ति को एक जगह दिखाई दे कि मुझे वहां तक तैर के जाना है, तो उसमें एक हिम्मत बनी रहती कि चलो मैं तैर सकता हूं, मैं तैर के वहां तक पहुंच जाऊंगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा लेकिन मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब आपको सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा हो, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे, कोई पेड़ नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई मिट्टी का टेकरा नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपकी दशा क्या होगी? तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि मैं एकदम से डर गया, मुझे भय लगने लग गया कि अब इस जल में से मैं नहीं बच सकता हूं, और तभी मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। आगे मैं देखता हूं कि एक वट वृक्ष का पत्ता, इतने बड़े जल के बीच में एक वट वृक्ष का पत्ता, बरगद का पत्ता जो है वो तैरता हुआ चला आ रहा है, और उसके ऊपर एक छोटा सा बालक, बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा शिशु, जिसने कि आप ये मान लीजिए कि अभी जन्म लिया हो, अपने पैर के अंगूठे को चूसता हुआ और आराम से उस पर सो रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये जो वर्णन है, ये इसी दशा का वर्णन है इस श्लोक में, कि उस बट वृक्ष के पत्ते पे एक छोटे से बालक को मैंने अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में रख करके चूसते हुए देखा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना इसलिए नहीं रहा कि जहां कुछ भी सृष्टि में नहीं बचा है, जहां मुझे यह लग रहा है कि मैं डूब जाऊंगा, और वहां एक छोटा सा बालक क्या अपनी मस्ती में कैसे आनंद कर रहा है। मैं उसके पास पहुंचा जाकर के, तो वो परब्रह्म परमात्मा श्रीवत्सधारी दितमान वाक्यम श्रुति सुखावम, तो उन्होंने कानों को आनंद देने वाले ये वाक्य मुझसे कहे, जानामि त्वाम परिश्रांतम ततो विश्राम कांक्षिणः। मैं जानता हूं तुम थक गए, तुम्हें विश्राम की जरूरत है, मार्कंडेय यास्वत्वम यावद इच्छसि भार्गव, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको जब तक आराम करना है तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर के उस बालक ने जैसे ही अपना मुख खोला है, तस्या अहम अवसो वक्त्रे दैवयोगात् प्रवेशिता, तो उसका मुंह खुलते ही मैं सीधा उनके मुंह के अंदर प्रविष्ट हो गया। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, जैसे श्वास ली और मैं मुंह के अंदर चला गया, क्योंकि कहा है यहां पे अवसो, जिसके ऊपर मेरा वस नहीं चला, और मैं उनके मुंह के अंदर प्रविष्ट हो गया। और वहां जाकर के उनकी पीठ के अंदर मैंने क्या क्या देखा है, गंगा शतुद्रुम सीताम यमुना मथ कौशिकीम, सभी नदियों का वर्णन किया है, सभी नदी, सभी पर्वत, जितने विशाल विशाल पर्वत हैं, सूर्य है, चंद्र है, जाज्वल्यमान अग्नि है, अरे पृथिव्याम यानी चान्यानी सत्वानी जगतिपते, इस संसार में इस पृथ्वी पे जो जो सत्व हैं, जो जो सृष्टि के तत्व हैं, तानी सर्वाणी अहम तत्रे पश्यम पर्यवरम तदा, वहां मैंने उन सब चीजों को, सभी तत्वों को देखा है। यानी उस सृष्टि के प्रलय के समय पे जब अत्यंत भयभीत मार्कंडेय ऋषि को यह लगता है कि यहां तो मेरा अंत आ गया है, क्योंकि इस सर्वत्र जल ही जल है, तो उसमें मैं कब तक इस प्रकार से बच पाऊंगा, तो स्वयं बालमुकुंद भगवान आते हैं और उनसे कहते हैं कि अच्छा थक गए हो, आराम करना है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। और फिर वो श्वास लेते हैं और मार्कंडेय मुनि अंदर चले गए। अंदर जाकर के उनको ये जो पूरा विश्व दिखाई दिया है, उस पूरे विश्व को देख करके सर्वम पश्याम अहम राजन तस्य कुक्षो महात्मनः चर्माणा फलाहारा कृष्णम जगदिदम विभो, वहां मैं फलाहार भी करता हूं और इधर उधर घूमते 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 एक जगह से दूसरी जगह मैं दौड़ता हूं, मुझे ये सब कुछ याद है कि मैं उनके पेट के अंदर आ गया हूं। अंतः शरीरे तस्याहम वर्षाणाम अधिकम शतम न च पश्यामि तस्याहम देह शांतम कदाचन, मैं वहां पे 100 साल से भी अधिक उस जगह पे बना रहा।
लेकिन मैंने उसका अंत नहीं देखा। इधर से उधर दौड़ते 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 कि मैं इस छोर से लेके उस छोर तक पहुंच जाऊं, लेकिन उस बालक के पेट का अंत मैंने नहीं पाया। तब मैं ततस्तमेव शरणं गतोऽस्मि विधिवत तदा वरेण्यं वरदं देवे मानसा कर्मणैव च। तब मैंने अत्यंत आदर पूर्वक उनकी शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना की, उनसे स्तुति की और ततो सहसा राजन वायु वेगेन निसृता। फिर अचानक एक श्वास ऐसा आया कि मैं वहां से बाहर आ गया। बाहर आकर के फिर मैं देखता हूं कि वही बाल मुकुंद है, वही वट वृक्ष के पत्ते पे विश्राम कर रहे हैं। मैंने उनकी प्रार्थना की और मैंने उनसे ये कहा, त्वत प्रसादाच मे देव स्मृतिर्ना परहीयते द्रुत अंता शरीरे थे सततम परिवर्तिनः। मैंने आपके शरीर के अंदर जाकर के जिस प्रकार से इस विश्व को देखा है, आपकी कृपा से मैं उन चीजों को भूला नहीं हूं, मुझे सब कुछ याद है। कृपा करके ये क्या है, ये कैसी आपकी माया है, ये सब कुछ क्या है, आप यह भूतवा शिशु साक्षात किम भवान अवतिष्ठते, इस प्रकार से छोटे से बालक का रूप लेकर के आप यहां विद्यमान है, ये सब क्या है। तो वो बाल मुकुंद भगवान कहते हैं, कामम देवा अपिनमाम विप्रजानन्ति तत्वतः। वास्तविक मेरे स्वरूप को तो देवता ऋषि कोई नहीं जानते हैं, तुम पिता भक्त हो, मेरी शरण में आए हो, आप ब्रह्मचारी हैं, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए ये सब कुछ संभव है। और फिर उन्होंने अपनी पूरी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया कि अपाम नारा इति पुरा संज्ञा कर्म कृतम मया। देखिए मनुस्मृति में भी ये श्लोक आता है कि जल को नार कहा गया है और नारा यानी उस जल में जिनका आयन घर है उनको नारायण कहा जाता है। तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैंने ही इस जल को पहले नारा ये संज्ञा दी थी और वो मेरा आयन है, इसलिए मुझको नारायण कहा जाता है। मैं ही नारायण हूं, मैं ही अव्यय हूं, मैं ही सभी इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता संघर्ता। अहम विष्णु, अहम ब्रह्मा, सक्रस्याहम सुराधिपः, अहम वैश्रवणो राजा, यमा प्रेताधिपस्तः। सभी रूपों में मैं ही हूं, आप जहां जो देखते हैं वो मैं हूं। अहम शिवस्य सोमस्य कस्य पोथ प्रजापति। देवता मनुष्य ऋषि गंधर्व किन्नर सभी स्वरूपों में अहम धाता विधाता चा यज्ञश्चाहम तुजोत्तम। सब कुछ मैं ही हूं। और किस प्रकार से लोग जब मेरी आराधना करते हैं तो समय समय पे मैं सभी के कल्याण के लिए, जब ये पृथ्वी समुद्र में डूब गई, बाराहम रूप मास्था है मयम जगती पुरा, तो मैंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था। पादौ शूद्रा भवंती में विक्रमेण क्रमेण चा। मेरे ही इस शरीर से पैरों से शूद्रों का जन्म, हाथों से क्षत्रियों का जन्म, उधर से वैश्य का जन्म और मेरे मुख से स्वयं ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। चतुर्वेद की रचना मैंने की है, चतुर्वेद मुझसे ही प्रकट हुए हैं। और अंत में ये कहते हैं, यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा मानम सृजाम्यहम्। ये वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, लेकिन यहां पे इस श्लोक को प्रस्थापित किया गया है। तो तब तक मैं इस पृथ्वी पे अवतार लेता हूं और जब ये संपूर्ण पृथ्वी इस प्रकार से सोती है, उस समय मैं ये बाल स्वरूप धारण करके और विश्राम मैं भी किया करता हूं और तुमने मेरे इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से उन जनार्दन के पास से इस पूरी कथा को सुन करके मैं अत्यंत तृप्त हुआ, अत्यंत संतुष्ट हुआ। स ईस कृष्णो वार्षणेय पुराण पुरुषो विभु। ये हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं ना, यही वो कृष्ण हैं, यही वो नारायण हैं, यही वो पुराण पुरुष हैं, जो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब जरूरत पड़ती है तो मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूं, वही ये आज हमारे बीच में मनुष्य रूप में विद्यमान हैं। जब सब ये बात सुनते हैं तो कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण भी सचैतान पुरुष व्याघ्र सामना परम बल गुना सांत्वाया मास मानारो मन माना। ये बात जब मार्कंडेय मुनि ने कही तो वो तो प्रणाम करते हैं, उनके साथ युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन द्रौपदी सभी कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण उनको प्रणाम करने लग जाते हैं।
तो कृष्ण के लिए वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर उनके बड़े भाई हैं और इस समय तो मन्य मांगो यथा विधि माना रो सांत्वया मास, तो जिसको जिस प्रकार से यानी अगर ब्राह्मण चरण स्पर्श कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उनसे चरण स्पर्श करवाएं। अगर बड़ा भाई आपके पैर छू रहा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके पिता अगर आपके पैर छूने लग जाए तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी पद पे पहुंच जाए तो कृष्ण सबका यथा योग्य अभिवादन स्वीकार करते हैं और सबको सांत्वना देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। मार्कंडेय मुनि का चरित्र है, एक विशिष्ट व्यक्ति जो मनुष्य होके भी इस प्रकार से अमर है। धन्यवाद।